बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिकन सिटी के बारे में। दोस्तों, बढ़ती आबादी हर मुल्क के मसाइल में इजाफा करती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं जहां आबादी रकबे के लिहाज से बहुत ही कम है। इस शहर का नाम है वेटिकन सिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिकन सिटी की। वेटिकन सिटी चारों तरफ से इटली के दारुल हुकूमत रूम से घिरा हुआ है। 108 एकड़ रकबे पर फैले हुए इस शहर की आबादी 1000 के करीब है। बहुत ही छोटे और बेहद खूबसूरत शहर वेटिकन सिटी के बारे में हम आज आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube पर मौजूद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी वेटिकन सिटी ही है। ईसाई मजहब के बड़े फादर भी इसी मुल्क वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो दुनिया में फैले रोमन कैथोलिक चर्च की रखवाली करते हैं, और इनको यहाँ पर हर तरह के फैसले करने का हक हासिल होता है। ये मुल्क दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहां आज भी बादशाही निजामे हुकूमत कायम है, जिसके पास इक्तदार की तमाम ताकत मौजूद होती है। इस मुल्क का कानून ईसाई कानून पर मबनी है। वेटिकन सिटी सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ईसाई मजहब के सबसे बड़े चर्च और गिरजाघरों की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर तारीखी मकामात सियाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहां आते हैं। इस सिटी के शाही महल में एक शानदार म्यूजियम मौजूद है, जहां पर बहुत सी मूर्तियां बनाकर रखी हुई है। जिन लोगों ने ईसाई मजहब और शाही महल की शानो शौकत बढ़ाने के लिए जो इकदाम किए थे, कहा जाता है कि अगर आप इस म्यूजियम में मौजूद एक मूर्ति को एक मिनट भी देखेंगे, तो कहा जाता है कि यहाँ की सारी मूर्तियाँ देखने के लिए 4 साल का वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।